गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ क्लास. एज इन आर लास्ट टर्न वी हैड कम्प्लीटेड आर चैप्टर नंबर 1 ऑफ SST हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ. एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम. कि अर्थ हमारी जो धरती है सोलर सिस्टम, सौर मंडल में, उसके बारे में क्या है, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, और हमारी अर्थ यूनिक क्यों है, ये सब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यूनिवर्स, जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, द मून, द सन, द मून एंड स्टार्स डैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. जो सन है, मून है, स्टार्स हैं, जो हम आसमान में देखते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होती हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है, कुछ के पास, और कुछ के पास अपनी लाइट नहीं होती. जैसे स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, और मून वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है. वो कहाँ से लेता है? सन से. दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. वो हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, पार्ट हैं. बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, हेवनली बॉडी सब सब यूनिवर्स में आते हैं. इसका यूनिवर्स का पार्ट है. यूनिवर्स इज़ अ वास्ट स्पेस. यूनिवर्स एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष है. विच इज़ बिलीव टू बी फॉर्म विद अ बिग एक्सप्लोजन. ऐसा माना जाता है एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जब हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, और उसकी थ्योरी को क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर अगो बना था, व्हेन अ ह्यूज फायर बॉल ऑफ फायर, जब एक बहुत बड़ी सी बॉल आग की, इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे, गैसेस थी, और भी एलिमेंट्स थे, वो एक्सप्लोड हुआ, एक विस्फोट हुआ ऊपर स्पेस में. इस एक्सप्लोजन के कारण ऑल द मैटर्स फ्रॉम इट वॉज थ्रोन आउट विद अ ग्रेट फोर्स. वो एकदम विस्फोट होता है, तो मतलब जब विस्फोट होता है, कोई चीज़ टूट जाती है, तो आसमान में हर जगह उसके पार्टिकल्स क्या हो गए? स्प्रेड हो गए. वो बहुत बड़ा जो फायरबॉल बना था, एक्सप्लोड हुआ था, वो स्प्रेड हो गया स्पेस में. और आगे देखिए, और उसके सभी पार्टिकल्स सारी डायरेक्शंस में फैल गए. द टाइनी पार्टिकल्स ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म एटम. और जैसे ही धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुआ फायरबॉल, उसके क्या बन गए? टाइनी पार्टिकल्स बन गए. वो इकट्ठे हो गए, ग्रुप्ड हो गए, एंड टुगेदर उन्होंने छोटे छोटे कण बनाए, एटम्स बनाए, विच आर जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे ऊपर यूनिवर्स स्पेस में. देन दीज एटम्स केम टुगेदर. और जब ये सभी पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे आए, क्लोज आए, तो इन्होंने क्या बनाई? गैलेक्सीज बनाई. गैलेक्सी क्या होता है? देर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी बिलियंस गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज यानी उसमें स्टार्स आते हैं, कुछ गैसेज हैं, डस्ट के पार्टिकल्स आते हैं, और हेवनली बॉडीज आती हैं. ये गैलेक्सी होते हैं. तो हर गैलेक्सी में गैसेस, डस्ट, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और साथ ही हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल भी हमारी गैलेक्सी का पार्ट है. स्टार्स, स्टार्स क्या होते हैं? तारे. सेलेस्टियल बॉडीज़ विच आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि गैसेस की बनी होती हैं, विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जिनके पास अपनी हीट होती है, रोशनी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं. नेक्स्ट पेज. द सन डैट वी सी इन द स्काई, जो सूरज हम ऊपर स्काई में देखते हैं, इज़ वन अमंग द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी. वो हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, वो उसी में आता है, कॉल्ड द मिल्की वे, आकाश गंगा. और जिस गैलेक्सी का नाम क्या दिया गया? मिल्की वे. यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो हमारी गैलेक्सी का पार्ट है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे. तो सूरज क्या है? वो बिलियंस ऑफ स्टार्स में आता है, सबसे बड़ा है, और जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का पार्ट है, आकाशगंगा का पार्ट है. द स्टार्स वी सी फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग द नाइट. जो तारे हम रात को अर्थ से देखते हैं नाइट में, आर द अदर स्टार्स. वो दूसरे स्टार्स हैं आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के. दे अपीयर सो स्मॉल. वो बहुत छोटे दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर हैं. दे आर द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स. और वो क्या हैं? वो मेन सोर्स है, मेन जरिया है सभी प्लैनेट्स की रोशनी के लिए, हीट के लिए. और सन बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी. तो हमारा सन किसका पार्ट है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का. हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसका पार्ट है, पूरी ये फैमिली है. कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं. कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारा मंडल बोलते हैं. द ग्रुप ऑफ स्टार्स डैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशंस.
एक ग्रुप स्टार्स का जो समूह होता है, झुंड होता है, जो कि स्काई में क्या बनाते हैं, अपना पैटर्न बनाता है, एक शेप पैटर्न बनाना, फॉर्म बनाना स्काई में, आसमान में, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। देर आर 88 कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। ऑफिशियली हमारे पास कितने कॉन्स्टिलेशन हैं, 88 हैं। जैसे अर्सा, उर्सा मेजर है, बिग डिपर या ग्रेट बियर इज़ वन ऑफ देम। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन है। उर्सा मेजर, जिसको बिग डिपर या ग्रेट बियर भी कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया। इंडिया में से मतलब सेवन उसका होता है ना, सेवन स्टार्स का, जो कि क्या होता है, वो ग्रुपिज्म जिसे हम बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये शेप ले लेते हैं, तो देर आर सेवन स्टार्स हैं हमारे कॉन्स्टिलेशन में, हमारे तारामंडल में, विच फॉर्म द शेप ऑफ अ बिग स्पून, जो कि किसकी शेप बना रखी है, जिन्होंने एक बड़े से स्पून की। ये देखिए, जैसे ये शेप दे रखी है ना, ये एक स्पून की तरह लगते हैं। द टू स्टार्स एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर्स, जो एंड में होते हैं दो तारे, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें पॉइंटर्स बोलते हैं। दे ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द पोल स्टार, और वो हमेशा पोल स्टार की तरफ ही शो करते हैं, लाइन प्रेजेंट करते हैं। द अदर फेमस कॉन्स्टिलेशन आर, और दूसरे भी हैं कॉन्स्टिलेशन, जैसे उर्सा माइनर है, ओरियन है, स्कॉर्पियस है एंड हाइड्रा। जो हमारी ये जो राशियाँ होती हैं, ये भी हमारे कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट है, इनमें ही आती हैं ये 12, और बाकी अदर कॉन्स्टिलेशन ये दे रखे हैं। तो उर्सा मेजर है, देखिए इसने शेप बना रखी है एक बहुत बड़े स्पून की, चम्मच की शेप में, है ना। सो अब बाकी रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेस्ट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।